लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस प्लेस में अब मिशुन भी आ जाती है, जो अबिन कार्सू दिखाते हुए ताइचेंग से कहती है कि लुशेन को फ्री कर दो, जिस पर अबिन कार्सू देखते हुए ताइचेंग कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब मिशुन कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती, इसलिए बस इतना बताओ कि तुम लुशेन को फ्री कर रहे हो या फिर नहीं, जिस पर ताइचेंग अपना चाहते हुए लुशेन को छोड़ देता है। तब लुशेन सीधे रोली के पास आके उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर रोली भी यस कहती है। तब सीनियर जाओ कहता है कि लुशेन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी को थैंक यू कहना चाहिए, जिस पर लुशेन थैंक यू सो मच सीनियर कहता है। और अब ताइचेंग कहता है कि जूनिस लड़के ने मेरे पूरे क्लब को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, बताओ ये लड़का इसकी भरपाई कैसे करेगा, जिस पर मिस जून कहती है कि कैसी भरपाई, जब लुशेन यहाँ पे नहीं था तब तुम लोगों ने उसके क्लब और उनके मेंबर्स को बुली किया, तो अब अगर लुशेन ने तुम्हारे क्लब को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसमें भला कौन सी बड़ी बात है। तब सुजुन कहते हैं कि सुब्रमण्यम की लुशेन ने सिर्फ तुम्हारे घर द्वार को ही तोड़ा है, मैं अगर होती तो अपने क्लब में अटैक करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते। जिसे सुनकर यंगोंग कहता है कि मिजुन आप सीनियर हो, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तब दूसरे डिसाइबल भी कहता है कि हाँ ये तो अन्याय है, जिस पर ताइचेंग अब इन लोगों को रोकते हुए कहता है कि जून अगर हमें तुम्हारा फैसला मंजूर ना हुआ तो। तब लुशेन कहता है कि भलाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग मंजूर करवा देंगे, जिस पर मिजून भी कहता है कि अब अगर लुशेन ने कह दिया है तो मैं भी पीछे नहीं हट सकती। तब ये सुनिए ताइचेंग कहता है कि लुशेन अपनी औकात में रहो, और इतना कि ताइचेंग यहाँ पे अपने ट्रू पावर्स को रिलीज कर देता है, जिसे देखते हुए अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ताइचेंग की पावर भी ऑलमोस्ट मिजून के बराबर ही हो चुके थे, जिस पर अब ताइचेंग खुद ही शांत हो जाता है और फिर लुशेन से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल जाओ। तब लुशेन कहता है कि क्या ये तुम्हारी कोई चाल है या फिर सच में तुम हमें यहाँ से जाने दे रहे हो, जिस पर ताइचेंग कहता है कि लुशेन तुम हमारे सीनियर्स के रूल की वजह से बच गए, मगर चिंता मत करो आने वाले हंटिंग कॉम्पिटिशन में अगर तुम मेरे सामने आ गए तो फिर तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, इसीलिए हंटिंग कॉम्पिटिशन तक तुम्हें जितनी भी प्रिपरेशन करनी है कर लो, क्योंकि आज जो तुमने किया है उसका बदला मैं उसी दिन तुमसे लूंगा। जिस पर लुशेन कहता है कि अगर सीनियर मुझे लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड है तो फिर मैं सीनियर को कंपनी जरूर दूंगा। तब ताइचेंग कहता है कि बहुत खूब, बिल्कुल इसी तरह अपनी बात पे अड़े रहना, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस हद तक जा सकते हो, जिस पर मिस जून कहती है कि ताइचेंग अगर तुम्हारा बात किया हो गया तो फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और ये कि अगर ये लोग अब यहाँ से निकल जाते हैं, जिस पर ताइचेंग बस पीछे खड़े होकर इन्हें घूर रहा होता है। तब यहाँ कहता है कि ब्रदर आखिर आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया, जिस पर ताइचेंग कहता है कि क्या मैं तुम लोगों को इडियट दिख रहा हूँ, मेरे लिए मिजून को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ली तो या फिर शेंगफेंग आ जाता तो फिर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता, अभी हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हंटिंग कॉम्पिटिशन, हमें इस लुशेन के साथ जो कुछ भी करना है इसी कॉम्पिटिशन के अंदर करना है, वहाँ पे उसे बचाने के लिए ना तो मिजून होगी और ना ही शेंगफेंग। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को देखते हैं, जहाँ पे लुशेन मिजून से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ, तब मिजून कहती है कि मैं ताइचेंग को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, वो इस सेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिसाइपल में से एक है, भले ही तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो लेकिन उसे डिफीट कर पाना इतना भी आसान नहीं है। तब लुशेन एक बार फिर से थैंक यू सो मच सीनियर कहता है, और फिर लुशेन पूछता है कि सीनियर शेंगफेंग तो जा चुके हैं, फिर उनका कार्ड आपको कैसे मिला, इसके अलावा सीनियर लितोंग भी मेरी हेल्प करने के लिए मान गई है, मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा, जिस पर मिजून कहती है कि दरअसल वो कार्ड फेक थे। तब लुशेन कहता है कि क्या आपने ताइचेंग से झूठ बोला, जिस पर मिजून कहती है कि ताइचेंग भले ही स्मार्ट है लेकिन वो मेरी बातों को बहुत ही सीरियसली लेता है, इसके अलावा आज तक मैंने जितने भी झूठ बोले हैं उसे आज तक कोई भी झूठ साबित नहीं कर पाया है, इसलिए ताइचेंग ने मेरे फैसले के खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया। तब लुशेन कहता है कि सीनियर आप तो कमाल की हो, पता नहीं आपकी जितना स्मार्ट मैं कब बन पाऊंगा, जिस पर मिजून कहती है कि हंट कॉम्पिटिशन में तुम्हें अब बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, अच्छा होगा कि तुम इस कॉम्पिटिशन में ताइचेंग से शुरू में ही ना उलझ जाओ। तब लुशेन कहता है कि ओके मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और फिर लुशेन कहता है कि सीनियर क्या आपको नहीं लगता कि ताइचेंग अपनी पावर्स को हाइड कर रहा था, जिस पर मिजून कहती है कि ऑफकोर्स वो अपनी पावर्स को हाइड कर रहा था, दरअसल वो इस कॉम्पिटिशन में किसी बड़े पर्सन को डिफीट करके अपने रैंक को और भी ऊंचे पैमाने पे ले जाना चाहता है, इसलिए वो अभी अपनी ट्रू पावर्स को शो नहीं करना चाहता। तब ये सुनकर लुशेन कहता है कि अब मैं समझा कि उसका टारगेट लितोंग है, क्योंकि वो इतना स्टूपिड नहीं है कि सीधे बर्दा शेंगफेंग को ही डिफीट करने निकल पड़ेगा, जिस पर मिजून कहता है कि बिल्कुल अभी उसने जो पावर रिलीज की थी वो लगभग मेरे लेवल की थी, यानी सीधी से बात है कि वो मुझे नहीं बल्कि लितोंग को डिफीट करके सेकंड पोजीशन को अचीव करना चाहता है, जिसके बाद ही वो शेंगफेंग को चैलेंज करने के लिए वर्दी होगा, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हंटिंग कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा टफ होगा, और अगर तुम इस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसके लिए जीत और मेहनत करनी होगी। तब लुशेन भी यह सीनियर कहता है, और अब सीन चेंज होता है और हम सीनियर शेंगफेंग को देखते हैं, जो एक माउंटेन के पीक पे खड़े होकर कह रहे थे कि मैंने बहुत सालों से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब इधर एक दूसरे प्लेस में हम लितोंग को देखते हैं, जो एक केव में मेडिटेट करते हुए कह रहा था कि इस कंपटीशन से बहुत कुछ चेंज होने वाला है, मुझे अब बस उस कंपटीशन के दिन का इंतजार है।
जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और मेरात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशन अपने कमरे में आके इस व्हाइट ड्रैगन पर्ल को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर काफी कल्टीवेट करने के बावजूद भी लूशन को कुछ समझ में नहीं आता है। तब नैनी जी कहती है कि क्या हुआ, तुम इसे इतने गौर से क्यों देख रहे हो, जिस पर लूशन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रैगन पर्ल में सिर्फ स्पेशल पावर ही नहीं बल्कि और कुछ भी है, मगर इस पल को मैं जैसे ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ तो इसकी शक्तियाँ मेरी शक्तियों को पीछे धकेल देती है, पता नहीं इस पल को मैं अब कैसे ब्रेक करूँ। तब नैनी जी कहती है कि इस चीज़ को ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं है, जिससे सुनकर लूशन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये चीज़ क्या है और इसे कैसे ब्रेक करते हैं। तब नैनी जी कहती है कि ऑफकोर्स मैं नैनी जी, मुझे सब पता है, जिस पर लूशन अब बहुत ही खुश होकर नैनी जी के पास आते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे बताओ ना कि आखिर इसे कैसे ब्रेक करते हैं, मुझे इस ड्रैगन पल के सारे सीक्रेट्स जानने हैं। तब नैनी जी कहती है कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, मुझे एक साल तक मेरे पसंदीदा स्नैक्स चाहिए, जिस पर लूशन कहता है डन, तुम्हें जो कुछ भी खाना है तुम बस ऑर्डर करना, मैं तुम्हारे लिए वो खरीद दूंगा। तब नैनी जी कहती है ठीक है लिखना शुरू करो, मुझे कल से 2 प्लेट समोसे, 2 प्लेट कचौड़ियाँ, चिकन हबीबी, तीखी भेल, तीखी पानी पूरी और तीखी दही बल्ले, इसके अलावा मीठे में 2 प्लेट रसगुल्ले, 3 प्लेट गुलाब जामुन और 4 प्लेट रसमलाई चाहिए, बस इतना ही, मुझे सुबह के नाश्ते में ये सब चाहिए और रात और दोपहर में क्या खाना ये मैं बाद में बताऊंगी। जिस पर लूशन अब लिखते हुए कहता है कि वो तो ये सिर्फ सुबह का है। तब नैनी जी कहती है हाँ अभी मेरी बॉडी रिकवर नहीं हुई इसलिए मैं इतना ही खाती हूँ, जिस पर लूशन अब इन सब का बिल देखते हुए कहता है कि इतना ही से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मुझे खा के मानोगे। और फिर लूशन कहता है कि ठीक है अब बताओ कि आखिर ड्रैगन पल में क्या सीक्रेट है। तब नैनी जी कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, इस चीज़ को दरअसल व्हाइट ड्रैगन पर्ल कहते हैं, ये एक ट्रेडिशनल ट्रेजर है जिसे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम ने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया है। इसके बारे में रूमर्स तो ये भी है कि इसके अंदर खुद व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम के कुछ अंश हैं जो अपने अंदर कई सीक्रेट्स को छिपाए हुए हैं, जिस पर लूशन बहुत ही गौर से सुनते हुए कहता है कि ठीक है आगे बताओ। तब नैनी जी कहती है कि क्या आगे बताओ, बस खत्म हो गया इतना ही था, जिस पर लूशन कहता है कि क्या। और फिर लूशन अब बहुत ही फनी तरीके से नैनी जी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि नैनी जी यू लायर, जो तुमने बताया वो तो मुझे पहले से ही पता था, इसमें नई बात कौन सी है, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर इसे ब्रेक कैसे करना है। तब नैनी जी कहती है कि सॉरी लूशन, लेकिन अभी जो मेरी करंट स्टेट है उससे मैं इस पल को नहीं ब्रेक कर सकती, जिस पर लूशन कहता है कि भाड़ में गया रसमलाई और समोसे, मैं कुछ भी नहीं खरीद दे रहा। तब नैनी जी कहती है कि लूशन शांत हो जाओ, मैं भले ही इसे ब्रेक नहीं कर सकती लेकिन मेरे पास एक तरीका है, जिस पर लूशन कहता है कि क्या सच में। और फिर लूशन कहता है कि नैनी जी अगर अब तुमने कोई भी नॉनसेंस बातें की तो मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं खरीदूंगा। तब नैनी जी कहती है कि हम इस पल को ब्रेक करने के लिए किसी बहुत ही पावरफुल एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, जैसे कि आसमान से गिरता हुआ एक बहुत ही पावरफुल थंडर। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।